ऐसा कहीं आपको दिलवर न मिले। कि हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा, दिल तोड़ के न जाओ, घर छोड़ के न जाओ, ये घर न मिलेगा। किसे कह रहे संतोष से? कितना जा रहेगा घर छोड़ के जा रहेगा? घर ही रहो, उसी तो बंधु गुरु पत्र है। हम जैसा कहीं आपको दिल केवल चाय लाइन बहुत शॉर्ट में कट पीस लाइन आई है भाई साहब। अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, मिले मौत भले सामने, मिले मौत भले सामने, ईश्वर न मिलेगा। किसने कहा इस लाइन को? अलग अलग कहा दो लोगों ने। अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, भगवान ने कहा। अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, कि मिले मौत भले सामने, ईश्वर न मिलेगा। अब ऐसा कभी एक बात दो लोगों ने कही, अब ऐसा कभी राम जी अवसर ना मिलेगा, और मिले मौत भले सामने, ईश्वर ना मिलेगा। आज नहीं मरे कल मरे, मरने तो है ही, लेकिन भगवान जो मौका कब आए कि आप सामने खड़े। पहली बात बोले बाली, बाली जब मरने लगा भगवान राम बोले, बोले बाली चलो बताओ तुम्हें जवान कर दें, जवान कर दें तुम्हें, ज्यों का त्यों कर दें। भैया नरेश पटेल की ओर से आए हैं, लाइन है बेदर्दी दगा देकर चले गए, ऐसे गीत नहीं गाया जाते सवेरे टाइम। नहीं सही कह रहे, गाया नहीं जाता, ये गीत को प्रमाण है, हम इसे नहीं गाते। बाली से कहा भगवान ने, बताओ बाली ज्यों का त्यों कर दे, जवान कर दे। बाली बोले भगवान बानर जरूर है लेकिन पागल नहीं है, पागल नहीं है। इतना बढ़िया मौका मिले तुम हमसे कह रहे हमें बिल मारे कि जवान कर दे, फलाना कर दे। नहीं महाराज, करुणा की एक बूंद को तरसे हैं कई लोग, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। हमारी किस्मत देखो कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं, हमने कोई कोई पूजा नहीं की, कोई भजन नहीं किया, हमारी किस्मत देखो हमसे भगवान हमें उल्लू बना रहे हो, जवान कर दें फलाना कर दें, कुछ नहीं महाराज। बाली कहा, बाली ने कहा कि भगवान ठीक है तुम हमें कुछ भी कर दो, लेकिन लेकिन मरेंगे तो हम जरूर, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे, लेकिन फिर आप नहीं आओगे, फिर नहीं आओगे, आज तो हमारे सामने खड़े हो, फिर नहीं आओगे आप। करुणा की एक बूंद को तरसे हैं कई लोग, तरसे हैं कई लोग भगवान, और करुणा का ये मुझको फिर सागर न मिलेगा। जहां एक बूंद को तरस गए लोग, हमारे सामने समुद्र खड़ा है पूरा। तो करुणा का फिर मुझको ये सागर न मिलेगा, इसे कहा भगवान। अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा।
दूसरी लाइन, बहुत छोटी लाइन थी, दूसरी लाइन और आखिरी लाइन। अब देखिए आप कितनी विचित्र बात, जटायु के लिए भगवान गोद में लिए बैठे हैं, भगवान बड़े प्यार से बोले हैं जटायु तुम्हारे पंख लगा दें, जटायु तुम्हें अमर कर दें, जटायु तुम्हें बलशाली बना दें, बताओ जटायु क्या कर दें। भगवान ने कहा, जटायु ने कहा, भगवान लालच मत दो हमें, हमें लालच मत दो कि पंख लगा दें, जवान कर दें, अमर कर दें। नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पक्षी हैं, हमें अमर होके क्या करेंगे हम। नहीं भगवान, अब पक्षी ने, जटायु ने कहा अंत में, पक्षी को लिए गोद में परमात्मा स्वयं। हमारी किस्मत देखो महाराज, जिंदगी भर मांस खाया है, जिंदगी भर हत्याएं की हैं, और हमारी किस्मत देखो कि भगवान गोद में लिए बैठे हैं, हमें गोद में लिए बैठे हो, हमसे कह रहे हो कि अमर कर दे, हमें बेवकूफ बना रहे हो, हमें कोई अमर नहीं होना है भगवान, आज ही मरेंगे कल मरेंगे। पक्षी को लिए गोद में परमात्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं। अब ऐसा किसी पक्षी का, अब ऐसा किसी पक्षी का मुकद्दर ना मिलेगा, अब ऐसा कभी राम जी अवसर ना मिलेगा। ओ मिले मौत भले सामने, ईश्वर ना मिलेगा। अब ऐसा